हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को अवश्य दबाएं ताकि भविष्य में डाले जाने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस टेस्ट सीरीज में मैं अभिंद्र रंगा आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये विषय सामान्य ज्ञान तो है, पर इसमें ज़्यादातर समसामयिकी यानी करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन मैंने लिए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आने वाली सभी कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम में आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश है तो विकास है नामक घरेलू बिजली कनेक्शन योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से अवसर पर आरंभ की थी? ए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर, बी उत्तर प्रदेश सरकार का एक वर्ष कार्यकाल पूरा होने पर, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर, योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस पर। तो स्टूडेंट्स, आप ये बात याद रखें कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर योगी सरकार ने प्रकाश है तो विकास है नामक घरेलू बिजली कनेक्शन योजना जो है वो जारी की। 25 दिसंबर 2017 को अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष पर ये योजना योगी आदित्यनाथ ने शुरू की। प्रतिवर्ष 35,000 रुपये से कम आय वाले और बीपीएल कार्ड धारकों के लिए ये योजना उन्होंने शुरू की है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश है तो विकास है नामक घरेलू कनेक्शन योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारकों या प्रतिवर्ष 35,000 रुपये से कम आय वाले नागरिकों को कितने रुपये के भुगतान पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाएगी? यानी सरकार 35,000 रुपये से कम आय वाले नागरिकों को और बीपीएल कार्ड धारकों को ये योजना उपलब्ध करवा रही है। तो कहता है कि कितने रुपए आए वाले नागरिकों को कितने रुपए के भुगतान पर, यानी कितने रुपए इसमें से भुगतान करने पर उन्हें विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाएगी। देखिए, थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि एक योजना जब तक हम पूरी ना पढ़ लें हम उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सकते। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे लिए मुश्किल रहते हैं। तो देखिए, अगर हमने इस योजना को पूरी तरह से पढ़ा हो तो हमारे लिए ये आंकड़े बन जाते हैं, 35,000 रुपये से कम आय वाले और बीपीएल कार्ड धारक उनको ये योजना मिलेगी और कितने रुपए पे करने होंगे एक विद्युत कनेक्शन लेने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर हमारा आंसर इसमें ए है, 550 रुपये अगर कोई व्यक्ति पे करता है सरकार को तो उसके घर एक विद्युत कनेक्शन लगा दिया जाएगा। तो इसमें ए हमारा आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। जगतगुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश में स्थित है का मूल संबंध निम्नलिखित में से किससे है? देखिए, ध्यान से सोचिए स्टूडेंट्स, अगर इसके बारे में जगतगुरु भद्राचार्य के बारे में आप जानते हैं तो जरूर इसका क्वेश्चन का आंसर आपके मन में तैयार होगा। देखिए, तो इसका आंसर है कि ये विकलांग शिक्षा संस्थान है, एकमात्र भारत का निजी विश्वविद्यालय है जहां पर विकलांग विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। तो ये बी इसमें हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। 4 नंबर में आइए। जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? मैंने इस बात का जिक्र पिछले क्वेश्चन में जानबूझकर नहीं किया क्योंकि देखिए, हम कोई भी बात पढ़ते हैं तो उसे हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए, पूरी डिटेल उसके लिए जरूरी होती है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई छोटी से छोटी बात को बड़ा बनाकर आपके सामने रख दिया जाता है और उसका आंसर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, इसमें यही बात हमें बतानी है, जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो वो चित्रकूट शहर में स्थित है, ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश सरकार भगवद गीता के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस शहर में अनुसंधान संस्थान की स्थापना कर रही है? इलाहाबाद में, आगरा में, वाराणसी में, मथुरा में? सोचिए, उत्तर प्रदेश सरकार भगवद गीता के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस शहर में अनुसंधान संस्थान की स्थापना कर रही है? तो वो शहर है मथुरा, डी। यहां पर हमें हमारा आंसर मिलता है स्टूडेंट्स। मथुरा स्थित सरकारी संग्रहालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए, पहला नाम तो हो गया मथुरा सरकारी संग्रहालय। कहता है मथुरा में जो सरकारी संग्रहालय है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? वारेन हेस्टिंग संग्रहालय। अब देखिए, उसके बारे में अगर कंप्लीट जानकारी होगी तो ही तो हम ये आंसर इसका दे सकते हैं। बी, लॉर्ड रिपन संग्रहालय, अंग्रेजों के टाइम का है तो उन्हीं के नाम है। सी, लॉर्ड कर्जन संग्रहालय, और डी, लॉर्ड माउंटबेटन संग्रहालय। तो आप याद रखें कि मथुरा स्थित सरकारी संग्रहालय जो है उसका पुराना नाम जो है लॉर्ड कर्जन संग्रहालय है। फिर उसी की बात है, मथुरा स्थित सरकारी संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए, इसका भी मैंने कोई जिक्र आपके सामने पिछले प्रश्न में नहीं किया, इसीलिए तो ये समस्या हमारे सामने आ गई। और मैंने इसीलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि आगे प्रश्न है। लेकिन आपके सामने किसी भी एग्जाम में ये बातें किस तरह से पूछी जाती हैं, प्रश्न एक है और उस पर भिन्न भिन्न तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिसका आंसर हमारे लिए कठिन हो जाता है। इसलिए डिटेल स्टडी बहुत जरूरी होती है। मथुरा स्थित संग्रहालय की स्थापना 1874 में हुई थी, तो बी इसमें हमारा आंसर है, याद रखना चाहिए स्टूडेंट्स। आठ नंबर में देखिए, 8 दिसंबर 2017 को यूनेस्को द्वारा किस मेले को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की गई? देखिए, ए, बेनेश्वर मेला, बी, अब्बू बांची मेला, और सी, गंगा सागर मेला, और डी, कुंभ मेला। यूनेस्को द्वारा किस मेले को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज? दक्षिणी कोरिया में इसका आयोजन हुआ और यूनेस्को की अंतः सरकारी समिति में कुंभ मेले को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की गई कि भारत की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो है वो कुंभ मेले में प्रदर्शित होती है। तो याद रहे कि कुंभ मेला हमारा इसमें आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा है जिसे हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया है? तो देखिए, वो जिला जो है वो शामली जिला है, और शामली जिले को शामिल करने के बाद एनसीआर क्षेत्र में कुल जिलों की संख्या जो है 22 से 23 हो गई। पहले ये 22 थी, अब 23 हो गई। एनसीआर में हरियाणा के कुल 13 जिले, आपको ये याद रखना चाहिए, एनसीआर में हरियाणा के कुल 13 जिले और उत्तर प्रदेश के 7 जिले शामिल हैं। राजस्थान के 2 जिले इसमें शामिल होने के बाद कुल जिलों की संख्या अब 23 बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, प्रथम भारतीय शहर जहां देश के प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय की स्थापना की गई है वो कौन सी जगह है? ए, देहरादून, बी, इलाहाबाद, सी, अलीगढ़, और डी, वाराणसी। देखिए, यह व्यापार सुविधा केंद्र घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए बुनकरों तथा कारीगरों को सुविधा प्रदान करेगा। प्रथम भारतीय शहर जहां देश के प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय की स्थापना की गई है, और ये व्यापार सुविधा केंद्र घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए बुनकरों तथा कारीगरों को सुविधा प्रदान करेगा। ये कहां पर है? ये वाराणसी में। तो डी हमारा इसमें हमें आंसर मिलता है स्टूडेंट्स। लेसन शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को प्लीज तुरंत सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और उस पर कमेंट करना न भूलें। वीडियो में देखिए, 11 नंबर को पढ़िए स्टूडेंट्स। देखिए, ये भी एक
ऐसा क्वेश्चन है, इसकी डिटेल जो है हमें अच्छी तरह पता होनी चाहिए। कहता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित नमामि गंगे जागृति यात्रा का शुभारंभ गंगा नदी पर स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया। तो यही बात किसी दूसरे प्रश्न में पूछी जा सकती है कि नमामि गंगा का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है, यानी गंगा नदी पर स्वच्छता बनाए रखना। और यहां पूछा गया है कि जागृति यात्रा शुभारंभ गंगा नदी पर स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया, यह जागृति यात्रा गंगा नदी पर स्थित कितने जिलों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए की गई। देखिए अजीब सी बात है, क्या छोटी सी बात पूछ ली गई कि वो जिले कितने हैं जिनमें स्वच्छता बनाने के लिए इस जागृति यात्रा का शुभारंभ किया गया। 22 जिले, 28 जिले, 25 जिले, 20 जिले। तो याद रखें कुल जिलों की संख्या 25 है जिनके लिए ये नमामि गंगे जागृति यात्रा का शुभारंभ किया गया। 12 नंबर प्रश्न में देखिए, प्रथम भारतीय एक्सप्रेस वे जहां भारतीय वायुसेना के विमान को उतरने का सफल परीक्षण किया गया, वो कौन सा एक्सप्रेस वे है। देखिए यहां पर 6 सुखोई विमान भी उतारे गए जिन्होंने उतरने का अभ्यास किया इस हाईवे पर। इस एक्सप्रेस वे पर 6 सुखोई विमानों ने भी उतरने का अभ्यास किया और इसके अतिरिक्त मिराज 2000 लड़ाकू विमान ने भी उतरने का परीक्षण इस पर किया। वो कौन सा वे है? यमुना एक्सप्रेस वे। ये देखिए बी, और बी इसमें हमें आंसर प्राप्त होता है, प्रथम भारतीय एक्सप्रेस वे जहां भारतीय वायुसेना के विमान को उतरने का सफल परीक्षण किया गया, उत्तर प्रदेश में ही है यमुना एक्सप्रेस वे, जिस पर 6 सुखोई विमानों ने और मिराज लड़ाकू विमानों ने भी उतरने का सफल अभ्यास किया। 13 नंबर में आइए, एशिया का पहला और सबसे लंबा साइकिल राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? एशिया का पहला और सबसे लंबा साइकिल राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए स्टूडेंट्स कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इटावा और आगरा के बीच, इलाहाबाद और लखनऊ के बीच, दिल्ली और अलीगढ़ के बीच, अलीगढ़ और आगरा के बीच। सोचिए स्टूडेंट्स, मैं बताता हूं आपको कि इटावा और आगरा के बीच, यानी ए इसमें हमें आंसर मिलता है, इटावा और आगरा के बीच यह इटावा में लायन सफारी से शुरू होता है। यह चंबल और यमुना के प्राकृतिक सौंदर्य का प्रदर्शन भी करता है, यानी इस रास्ते पर चंबल नदी और यमुना नदी के प्राकृतिक सौंदर्य भी प्रदर्शित होते हैं। तो एशिया का पहला और सबसे लंबा साइकिल राजमार्ग इटावा और आगरा के बीच है, ए इसमें हमें आंसर मिलता है स्टूडेंट्स। उत्तर प्रदेश का वह स्थल जहां पर हाल ही में तंबाकू नियंत्रण सम्मेलन के 7वें सत्र का आयोजन किया गया, ए गाजियाबाद, बी बुलंदशहर, सी लखनऊ और डी ग्रेटर नोएडा। तो स्टूडेंट्स वो स्थान है, वो स्थल है ग्रेटर नोएडा। इसका मुख्य उद्देश्य तंबाकू नियंत्रण और खपत की जांच करना था। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट्स, पहला भारतीय राज्य जहां कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के क्रम में ट्विटर सेवा का शुभारंभ किया गया। पहला भारतीय राज्य, तो वह राज्य उत्तर प्रदेश ही है, पहला भारतीय राज्य जहां पर कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के क्रम में ट्विटर सेवा का शुभारंभ किया गया। राज्य पुलिस ने 122 ट्विटर हैंडल जारी किए जिसमें शिकायतकर्ता, जिसको भी कोई परेशानी हो, जिसको किसी से भी कोई डर हो या कोई गुंडागर्दी का शिकार हो, तो ऐसी अवस्था में 122 ट्विटर हैंडल में से किसी एक पर भी वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। तो ए इसमें हमें हमारा आंसर प्राप्त होता है। 16 नंबर में देखिए, जनवरी 2016 में उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति अरुण कोचर को, न्यायमूर्ति आर बी चंद्रा को, न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह को, न्यायमूर्ति संजय मिश्रा को। तो ये हमारा आंसर है डी, न्यायमूर्ति संजय मिश्रा को 2016 में उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। 17 नंबर में देखिए,
सिक्किम के कंचनजंगा आधार शिविर पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र की बच्ची निम्नलिखित में से कौन है? नंबर एक भास्कर कुलवी, नंबर दो सीमा बहुगुणा, नंबर तीन ब्रजे कुमारी और नंबर चार सूर्या संगिनी चौधरी। तो वो छोटी सी 6 साल की बच्ची सूर्या संगिनी चौधरी है, डी, जो बागपत के बड़ोत गांव की रहने वाली है। सुन लीजिए ध्यान से, बागपत के बड़ोत गांव की रहने वाली है और इसकी आयु केवल 6 वर्ष है। 16,300 फीट ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का गौरव सबसे कम उम्र में इस सूर्या संगनी चौधरी ने प्राप्त किया है। 18 नंबर में देखिए, रेड कॉरिडोर के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि रेड कॉरिडोर है क्या। तो स्टूडेंट्स, रेड कॉरिडोर भारत में नक्सली माओवादी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र है, यानी ये नक्सली है जहां माओवादी रहते हैं, उग्रवादी हैं वो। और इन सभी बातों, यानी रेड कॉरिडोर भारत में नक्सली माओवादी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र है जिसमें 10 राज्यों के 106 जिले प्रभावित हैं। तो इसका आंसर हमारा ए इसमें हमें प्राप्त होता है। और वो राज्य कौन कौन से हैं जिसमें बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि शामिल हैं, जिसमें 10 राज्य और 106 जिले इससे प्रभावित हैं। 19 नंबर में देखिए स्टूडेंट्स, वर्ष 2016 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने थर्मल पावर परियोजना को निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित करने की सहमति जारी की? ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, 20 नंबर में आइए स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश स्थित रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रखा गया है वो कौन सा है? ए मुगलसराय रेलवे स्टेशन, बी काशी रेलवे स्टेशन, सी विश्वनाथगंज रेलवे स्टेशन, डी इज्जत नगर रेलवे स्टेशन। तो दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के नाम से अब किसे जाना जाने लगा? वो है मुगल सराय रेलवे स्टेशन। ये वाराणसी के बिल्कुल नजदीक है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदलकर अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस महापुरुष को भारतीय जनता पार्टी के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है? ए श्री अटल बिहारी वाजपेयी, बी श्री लाल कृष्ण आडवाणी, सी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डी जयप्रकाश नारायण। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए वैसे तो इनमें सभी ने बहुत काम किया है, लेकिन अग्रदूत के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जाना जाता है, तो इसमें सी हमारा आंसर है। लेकिन डिटेल जरूरी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय 1916 से 1968 तक भारतीय राजनीति में रहे। वे भारतीय जनसंघ के सबसे उच्च कोटि के नेताओं में से एक थे, जो आज की भारतीय जनता पार्टी के अग्रदूत माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, एम कुमार उद्योग यानी MKU लिमिटेड कंपनी का संबंध निम्नलिखित में से किस शहर से है? ए लखनऊ, बी इलाहाबाद, सी मथुरा, डी कानपुर। सोचिए स्टूडेंट्स, तो वो शहर है कानपुर, डी। एम कुमार उद्योग का मुख्यालय कानपुर में स्थित है। यह कंपनी बैलिस्टिक हेलमेट, बख्तरबंद और रात्रि दूरबीन, नाइट विजन और मोनोकुलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आपूर्ति करती है। 2017 में प्रधानमंत्री ऑफिस ने मोहन कुमार उद्योग कंपनी को एक ऑर्डर दिया था, जिसके तहत MKU ने सेना को बुलेट प्रूफ हेलमेट की आपूर्ति की थी। इस कंपनी ने 180 करोड़ रुपए में
1.6 लाख बुलेट प्रूफ हेलमेट सेना को उपलब्ध करवाए थे। तो इसमें हमारा आंसर डी आता है, कानपुर जो है वो एम कुमार उद्योग का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश व हरियाणा सरकार द्वारा महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्रमशः चलाए गए ऑपरेशन निम्नलिखित में से कौन से हैं। क्रमशः का मतलब होता है उत्तर प्रदेश अगर पहले है तो उत्तर प्रदेश का, और हरियाणा बाद में है तो बाद में हरियाणा का। तो देखिए, ए ऑपरेशन दुर्गा, ऑपरेशन काली, ऑपरेशन रोमियो, ऑपरेशन मजनू, ऑपरेशन रोमियो, ऑपरेशन दुर्गा, ऑपरेशन बेटी बचाओ, ऑपरेशन कन्या रक्षा। देखिए, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया था ऑपरेशन रोमियो विरोधी, और हरियाणा सरकार ने चलाया था ऑपरेशन दुर्गा। तो हमारा सी जो है इसमें आंसर आता है। वैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन रोमियो चलाया तो उसी की तर्ज पर, उसी की देखा देखी हरियाणा सरकार ने ऑपरेशन दुर्गा शुरू किया। 2017 में हरियाणा सरकार ने राज्य में महिला सुरक्षा को सुरक्षित करने हेतु ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ किया। यह यूपी के रोमियो विरोधी दस्ते की तरह ही मुख्यमंत्री फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा संचालित होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, उत्तर भारत की प्रथम वन्य जीव डीएनए बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की जा रही है। तो ये तो पक्का है कि ये उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान है, तो जाहिर सी बात है कि ये उत्तर प्रदेश में ही हो रही है, लेकिन जगह कौन सी है ये हमें चूज करना है। ए मथुरा, बी बरेली, सी आगरा और डी बुलंदशहर। तो वो स्थान है बरेली, बी आपको याद रखना चाहिए। यह भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में की जा रही है। यह 1889 में स्थापित भारत के सबसे पुराने अनुसंधान संस्थानों में से एक है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। सोचिए स्टूडेंट्स, 20वें, 22वें, 21वें, 23वें। तो योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। सी इसमें हमें आंसर प्राप्त होता है। 26 में देखिए स्टूडेंट्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर स्थापित है। नोएडा उत्तर प्रदेश, जयपुर राजस्थान, अहमदाबाद गुजरात, पुणे महाराष्ट्र। जरूरी नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश में ही हो, सोचिए आप, वो कहीं भी हो सकता है। कोई एकाध क्वेश्चन तो ऐसा भी हो सकता है जो नेशनल लेवल पर हो, कोई जरूरी नहीं है कि टोटल जीके जो है वो यूपी से ही संबंधित हो। हैं, लेकिन आंसर तो इसमें ए ही है, नोएडा उत्तर प्रदेश। ये हमें याद रखना चाहिए, नोएडा उत्तर प्रदेश, इसकी स्थापना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल की स्थापना 1992 में की गई थी। यह देश में टीकों की गुणवत्ता को, टीके जो लगाए जाते हैं उनकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। 27 नंबर में देखिए, देश का प्रथम कौशल आधारित इंडियन इंस्टीट्यूट निम्नलिखित में से किस शहर में खोला जा रहा है। देश का प्रथम कौशल आधारित इंडियन इंस्टीट्यूट निम्नलिखित में से किस शहर में खोला जा रहा है। ए लखनऊ, बी कानपुर, सी बदायूं और डी ग्रेटर नोएडा। देखिए ध्यान से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में इसकी नींव कानपुर में रखी गई। तो देखिए, कानपुर हमारा इसमें आंसर है। यह इंस्टीट्यूट कौशल विकास मंत्रालय भारत सरकार और टेक्निकल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी तकनीकी शिक्षा संगठन सिंगापुर की पहल पर चलाया जा रहा है। तो यह कानपुर में खोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में किस हाईवे का सबसे लंबे एक्सप्रेस हाईवे के रूप में उद्घाटन किया गया। ए मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे,
बी यमुना एक्सप्रेसवे, सी ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, डी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। सोचिए स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारा आंसर है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, तो डी हमें हमारा आंसर इसमें मिलता है। 2016 में भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया। उन्होंने 2016 में भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेस हाईवे को जनता को समर्पित किया। यह उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 23 महीने के अथक प्रयास में तैयार किया गया, जो एक रिकॉर्ड है। आपको याद रखना चाहिए 23 महीने में यह तैयार किया गया, जो एक रिकॉर्ड है। 29 नंबर में आइए, यमुना एक्सप्रेस वे जिस पर मिराज 2000 लड़ाकू विमान उतारने का सफल परीक्षण सेना द्वारा किया गया, इसकी कुल लंबाई क्या है? स्टूडेंट्स, पहले भी आ चुका है कि इस यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर सेना ने लड़ाकू विमान उतारने का सफल परीक्षण किया। उन लड़ाकू विमानों में मिराज 2000 और 6 सुखोई विमान थे जिन्होंने सफल परीक्षण यहां पर उतरने का किया। लेकिन इसकी कुल लंबाई क्या है ये आपको बतानी है। ए 200 किलोमीटर, बी 175 किलोमीटर, सी 165 किलोमीटर, डी 185 किलोमीटर। तो यमुना एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 165 किलोमीटर है, जो सी में हमें प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 30 में आइए, यमुना एक्सप्रेस वे जिस पर मिराज 2000 लड़ाकू विमान उतारने का सफल परीक्षण किया गया, वो दिल्ली को आगरा से जोड़ता है, वो आगरा को लखनऊ से जोड़ता है, वो लखनऊ को इलाहाबाद से जोड़ता है, या वो ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। देखिए, एक ही क्वेश्चन में तरह तरह से क्वेश्चन बनाकर पूछ लिए जाते हैं और वो हमारे सामने समस्या खड़ी करते हैं। देखिए, यमुना एक्सप्रेस वे किस को किस से जोड़ता है, तो वो है ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है, तो डी इसमें हमें आंसर मिलता है। 31 पर आइए, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि देश के 7 राज्य वर्तमान में 2014 से ऐसे हैं जिनमें द्विसदनीय विधानमंडल है, यानी दूसरा सदन विधान परिषद भी है। यह ऊपरी सदन होता है जो 7 राज्यों में है, और वो 7 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। फिर सुन लीजिए, 7 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, वो 7 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, और यह विधान परिषद राज्य के दोनों सदनों में से ऊपरी सदन कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 100 है, बी। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि इन 7 राज्यों में ही क्यों है, अन्य राज्यों में क्यों नहीं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, कि जो सभी राज्यों में एक सदन होता है, निचला सदन, जिसको हम विधानसभा कहते हैं, तो विधानसभा, जैसे उत्तर प्रदेश को आप लीजिए कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 404। तो 404 सदस्यों का एक तिहाई कीजिए, यानी 404 गुना में 1/3, देखिए 134 बनता है, यानी लगभग 134 बनता है। तो ये नियम है कि जिस राज्य में विधान परिषद हमें चाहिए
उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों का 1/3 यानी यूपी को लीजिए 404 गुना 1/3 जो 134 होता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है क्योंकि उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों का 1/3 40 या उससे अधिक होना चाहिए तो उस राज्य में विधान परिषद होगी। अब हरियाणा को लीजिए, हरियाणा में विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 90, तो 90 गुना 1/3 करने पर 30 प्राप्त होता है और 30 40 से कम है। अगर 40 है और 40 से ज़्यादा है तो हरियाणा में भी विधान परिषद यानी ऊपरी सदन होगा, द्विसदनीय विधानमंडल होगा, लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं है क्योंकि हरियाणा के 90 गुना 1/3 बराबर है 30 होते हैं जो 40 से कम है, इसलिए हरियाणा में विधान परिषद नहीं है और उत्तर प्रदेश में 134 होता है 1/3, इसलिए उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। तो इसमें हमारा आंसर बी आता है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 100 है। 32 नंबर में आइए, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी बात हम बार बार कर चुके हैं लेकिन एक नई प्रॉब्लम और खड़ी हो गई कि इसकी कुल लंबाई पूछ ली गई है। कौन याद रखता है? बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिसको कोई भी याद नहीं रखता, और नहीं याद रखते हैं तो देखिए आपके सामने आ गया। मैं आपको प्रश्न के अंदर से प्रश्न निकाल कर ये दिखाना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको डीपली स्टडी करनी होगी। अगर एक टॉपिक आप कोई पढ़ते हैं, चाहे वो करंट अफेयर का होता है, चाहे वो ओल्ड टॉपिक होता है, चाहे वो नॉर्मल टॉपिक होता है, आप उस टॉपिक को डीपली स्टडी करें, पता नहीं कौन सा पॉइंट आपके सामने कब रख दिया जाए। तो देखिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की कुल लंबाई जो है वो 302 किलोमीटर है, तो बी ऑप्शन जो है इसमें हमारा हमें आंसर प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स मैंने अपने इस टॉपिक में कोई भी कसर अपनी तरफ से नहीं छोड़ी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर और इस पर कमेंट करें ताकि मैं आगे भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो सभी विषयों पर बनाता रहूं। अगले वीडियो में जल्द ही फिर से आपसे मुलाकात होगी।